बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में 1932 को लेकर एक बार फिर सियासत की बातें सामने आने लगी है। सबसे पहले तो सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि 1932 पर अगर हम दो कदम पीछे गए हैं तो उसका मकसद 10 कदम आगे आना है। यानी 1932 को लेकर उन्होंने एक संकेत दिया है कि सरकार इस पर बिल्कुल भी चुप नहीं बैठी है। वहीं छात्र लगातार इस पर आंदोलनरत हैं। ऐसा नहीं है कि झारखंड में कभी भी यह मुद्दा शांत पड़ा हो। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, एक तरफ सीएम का यह बयान कि 1932 को हमने भुलाया नहीं है, अगर हम शांत हैं तो एक बड़े छलांग की तैयारी है, क्या कुछ मायने हैं इसके? अभी कुछ दिनों के बाद ही डुमरी में बाय इलेक्शन होना है, लिहाजा कहीं ना कहीं वहाँ पर यूपीए को एक मजबूत चुनौती जो है वो एनडीए की तरफ से मिलने जा रही है, क्योंकि इससे पहले जो बाय इलेक्शन उपचुनाव हुए रामगढ़ में, उसमें एनडीए की जीत हुई, आसू के प्रत्याशी की जीत हुई और कांग्रेस के प्रत्याशी को शिकस्त खानी पड़ी। लिहाजा उस हार को कहीं ना कहीं यूपीए भूला नहीं है। और अब चूँकि डुमरी में जगन्नाथ महतो की जो ज़मीन है वो बहुत मजबूत है और वहाँ पर छात्र नेताओं की भी जो मौजूदगी है वो बहुत ज़्यादा मानी जाती है, ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो चुनावी शंखनाद किया है, जो चुनावी आगाज किया है, उसमें उन तमाम बिंदुओं का जिक्र किया है जो झारखंड के आदिवासियों को, मूलवासियों को, स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं टच करता है। और उसमें सबसे अहम मुद्दा है 1932 का खतियान, 1932 के खतियान पर ही स्थानीयता को परिभाषित करना। यही वजह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ शब्दों में कहा है कि खासकर डुमरी को ये उसाते हुए ये बात कही गई है ताकि डुमरी में जो इलेक्शन आने वाले दिनों में होना है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। लेकिन आज जब कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उनसे जब ये पूछा गया कि आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये बात कहनी पड़ी, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात को फिर से दोहरा रहे हैं कि हम 1932 को लेकर के पीछे नहीं हटे हैं, जो बातें हुई हैं उसको हम कहीं ना कहीं करेक्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, दो कदम पीछे हटने का मतलब कहीं से भी पीछे हटना नहीं है, हम लंबी छलांग के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी इस बात का समर्थन किया और ये कहा कि हम भी चाहते हैं कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी को जिसका हक है और अधिकार है वो मिलना चाहिए, इसमें कहीं भी यूपीए के अंदर कोई भी मतभेद की बात नहीं है। लिहाजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कुछ कहा है उसमें कांग्रेस की भी सहमति है और राजद की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। राजद के अंदर आधिकारिक पर इस पर बात करने से लोग गुरेज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजद को ये बात कहीं ना कहीं बहुत डाइजेस्ट नहीं होती है कि वो जो, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है और खास करके बिहार के जो सटे हुए ज़िले हैं वहाँ पर है और भोजपुरी बोलने वाले ज़्यादा लोग जो हैं उनसे कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अगर हम खुलकर अपने मन से यानी आरजेडी के मन से इस बात को हामी भरते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो वोट है वो बिखर सकता है, लिहाजा इसका चुनाव में असर पड़ेगा। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल है अपने गुना भागर करने के बाद ही इस बात को कहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कह दिया है कि जेएमएम ना कभी 1932 के खतियान के मुद्दे से पीछे हटी है, ना भी हटेगी, हम दो कदम पीछे हटे हैं ताकि हम लंबी छलांग लगा सकें। जी बिल्कुल शाहनवाज, पहले यह माना जाता था कि 1932 की जब भी बात होती है तो कांग्रेस विरोध करती है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के रुख में तब्दीली आई है, और वहीं जैसा कि आप बता रहे हैं कि डुमरी को लेकर सीएम के रुख में बदलाव आया है, आखिर सवाल तो इस पर उठेंगे और जो छात्र संगठन है वो भी उठाएंगे कि जब चुनाव की बात होती है उसी वक्त इस तरह के बयान क्यों आते हैं? हाँ बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि छात्र नेता कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बयान को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। कई छात्र नेताओं से बात हुई है, कुछ की प्रतिक्रिया हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई है और तमाम जो प्रतिक्रिया हैं वो आ रही हैं। छात्र नेताओं का साफ कहना है कि ये सिर्फ चुनावी फायदे के लिए ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, अगर राज्यपाल की तरफ से राजभवन के। चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1932 को लेकर एक बार फिर से सियासत होने लगी है।